हेलो नमस्कार दोस्तों, आज सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज ही चल रहा है। परसेंटेज का दूसरा भाग है, प्रतिशत, परसेंटेज का पार्ट नंबर दो, प्रतिशत का ये सेकंड भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो चुनाव संबंधी किया था, तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो चुनाव संबंधी होगा। और पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन जो होगा वो अपना, जैसे पहला क्वेश्चन एक चुनाव में, पहला क्वेश्चन है एक चुनाव में दो प्रत्याशी विजेता को प्रतिशत मत प्राप्त हुए तथा वह बेहतर सो तो से जीत गया, तो कुल बच्चों जो पहला क्वेश्चन है जो कल किया था, आज जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो चुनाव संबंधी क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, विजेता को 52% मत प्राप्त हुए तथा वह 7500 वोटों से जीत गया, तो चुनाव जीत गया, तो कुल कितने वोट या मत डाले गए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 100% मत थे, दो प्रत्याशी, स्वाभाविक सी बात है एक 52% मत प्राप्त करता है, ये कौन है भाई जीतने आप, तो इसका मतलब आने वाले ने कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया, 48। ये जो प्राप्त कर रहा है वो है आने वाला। अब एक चीज बताओ, कितने से जीत रहा है वो, 7500 वोटों से जीत रहा है। एक ने 52%, दूसरे ने 48, तो यहां पे कितने परसेंटेज में कितने से जीत रहा है भाई, 4% से, और वोटों में 7500। इसका मतलब 4% की वैल्यू 7500 है, तो 1% की बात करूं तो 7200/4, अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/7200/4, तो वरा कुल कितने वोट माने थे अपन ने, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 1 बार 4 3 4 8 32 00, कितना हो गया अभी 1800 और 2 ये 0, कितना हो गया 2,250,000 18। 1,80,000 वोटों से क्या कर रहे हो, कुल वोट डाले गए थे चुनाव में, कितने वोट डाले गए थे, 1,80,000 वोट डाले गए थे। एक बार वापस से बता देता हूं, 100% मान लिया मैंने, 1 52% प्राप्त कर रहा था, दूसरा 48%, यहाँ पे ये प्रतिशत में जीत रहा है 4% से, और वोटों से जीत रहा है 7500, 1% बराबर क्या हो गया 7500/4, और पूछ रहा कुल माने थे 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 4 से 1 बार 4 से 1800, तो 1800 × 100 कितना हो गया, 1,80,000 वोटों से वो क्या है कि उसमें कुल वोट डाले गए थे, 1,80,000 कुल वोट डाले गए थे चुनाव। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दो प्रत्याशी जिसमें से 20%, ये पहला है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जिसमें से 20% मत अवैध पाए गए, विजेता को 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत है,
और वह 28,800 और वह चुनाव जीत गया। चुनाव कुल मत याद करो, देखो प्यारे बच्चों दो प्रत्याशी हुई तो मैं मान लेता हूं 100% मत है, जिसमें से 20% वैध, जिसमें से 20% अवैध, ये वोट है अवैध है। अवैध का मतलब यहां से ये समझ सकते हैं कि 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया, वो अवैध है। इसका मतलब वैध मत कितने हो गए भी 80%। अब ये बोल रहा है कि विजेता को वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, 60%। 80 का 60% निकाल लेता हूं मैं यहां पे अलग से, 80 का 60% कितना आ गया, 48। इसका मतलब जो हारने वाला उसने कितना प्राप्त किया, या तो इसका 60% प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब ये कितना करेगा भाई 40%। या ऐसा करो 80 में से 48 निकाल दो, 80 में से 48 निकालें कितना आएगा भाई 32, कितना आएगा 32। एक बार वापस से बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा 60% अवैध, अवैध का मतलब वोट ही नहीं डाले, इसका वोट डालने वाले कितने थे 80%। और ये बोल रहा है कि विजेता को वैध मतों का यानी जो वोट डालेगा उसका 60%, 80 का 60% कितना आ गया 48, और तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया 32, 80 में से 48 निकाल दें कितना आ गया 32। तो यहाँ पे कितने वोटों से जीता, यहाँ पे साइड में कर रहा हूं मैं, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, 28,800। और यहाँ पे कितने में जीत रहे हैं, इनका गेप कितने का आ रहा है 8, 8, 16। इसका मतलब 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है 28,800 की, ए की वैल्यू निकालेंगे 28,800 बटे में 16। कुल पूछा है, कुल डाले गए थे 100, तो मतलब 100 की वैल्यू अपने को पूछ रहे, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 से 8 लेता हूं, 4 से 4 बार, 4 से 7 6 28, 4 × 8 = 72, 4 से 1 बार और 4 से 4 = 30, और डबल जीरो कितना आ गया वही 180,000 वोट डाले गए थे। कुल 180,000 वोट डाले गए थे। एक बार वापिस से बता देता हूँ, दो प्रत्याशी थे तो एक ने अवैध प्राप्त किया, जो अवैध थे वो 20%, इसका मतलब 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला, तो डालने वाले कितने थे वैध मत कितने थे 80%। ये बोल रहे हैं जो चुनाव जीत रहा है वेल मतों का जो विजेता है वो 80% जो 80% का 60% प्राप्त कर रहा है, 80 का 60, तो 80 का 60% निकालेंगे कितना आ गया 48, इसका मतलब जो हारने वाला है वो 32 प्राप्त करेगा। अब वो जीत रहा है 28,800 वोटों से, तो इन दोनों का गेप यहाँ पे कितने में जीत रहा है प्रतिशत में 16 से, तो 16 की वैल्यू 28,800, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे बटे में 100, कुल 100, 100 की वैल्यू पूछिए तो 100 से इंटू कर देंगे, टोटल आंसर कितना आ जाएगा 180,000। प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके वापस 2-3 बार वीडियो को देखना, बार-बार देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना मेरे को इस चीज समझ में नहीं आ रही, मैं उनको वापस आपको कराने की कोशिश करवाऊंगा, अलग से अलग तरीका करवाऊंगा आपको। तो प्यारे बच्चों इनको कोशिश करना समझने की, 2 बार देख लेना वीडियो आपके पास सेव रहेगा, 2 बार देखो 3 बार देखो आपके पास वीडियो सेव है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन अपना 3 नंबर, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की
जिसमें जिससे इसकी खपत है। खपत 10% कम होती है, 10% है। कम होती है तो चाय के खर्च में, चाय के खर्च में 10% परिवर्तन याद करो। देखो पहले क्वेश्चन, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो दो संख्याओं को अगर गुणा करने पर तीसरी संख्या आती है, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। वही फॉर्मूला इस पे अप्लाई, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अभी रुपए गुणा खपत, अगर रुपए और खपत को गुणा कराऊंगा तो क्या आएगा खर्च। जैसे अगर एक किलो चीनी का भाव बता देता हूं, अगर एक किलो चीनी का भाव 20 रुपए है तो खर्च कितना होगा 20 रुपए। इसी प्रकार अगर खपत 2 किलो मान लेता हूं तो कितना हो जाएगा 40, 3 का कितना हो जाएगा 60। तो रुपए और खपत को गुणा कराएंगे क्या आएगा टोटल खर्चा हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला क्या आएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। कल फॉर्मूला बताया था मैंने, दो वस्तुओं को गुणा करने पर अगर तीसरी संख्या आती है, तो ये फॉर्मूला बताया था, ट्रिक मान लो, बस इसको याद करना कैसे 20% की वृद्धि तो चिन्ह आगे प्लस, फिर 10 की कमी माइनस, फिर यहाँ पे 20 गुणा 10, 20 × 10 बटे में 100, ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा भाई माइनस, 20 + 10 माइनस क्या हो गया 10 प्लस का माइनस, 2 × 1 = 2 माइनस, 10 में से 2 निकालेंगे कितना आ गया, खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन आ गया 8% परिवर्तन। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो समझने की कोशिश करना, दो वस्तुओं को गुणा कराने पर अगर तीसरी संख्या आती है, तो ये फॉर्मूला बताया था, चाय के मूल्य 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर खपत 10% कम कर रहा है, तो खर्च में पूछा है, तो रुपए और खपत को गुणा कराएंगे क्या आएगा खर्च, रुपए खपत को गुणा कराएंगे क्या आएगा खर्च। अगर दो वस्तुओं को गुणा कराने पर अगर तीसरी संख्या आ रही है, तो क्या फॉर्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, चाय के मूल्य में इस बार वो 20% की वृद्धि कर रहा है, सॉरी 40% की वृद्धि कर रहा है, और खपत में कर रहा है 20% की कमी, वही वृद्धि खपत मूल्य आ गया, खपत आ गई, रुपए और खपत को गुणा करेंगे क्या आएगा खर्च, तो वही प्लस 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 बटे में 100, 40 में से 20 माइनस 4 × 8 कितना आ गया 20 में से 8 निकालेंगे 12% खर्च में क्या आ गया परिवर्तन आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगर नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं मैं, तो वो देखो ये बोल रहा 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% कॉफी पीते हैं, 20% दोनों पीते हैं, 20% है, 50%
दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत व्यक्ति चाय की कॉफी नहीं पीते, देखो पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपको एक सीरीज के अंदर चलना है। जैसे अगर व्यक्ति पी रहा है तो पीने वाला, अगर कोई व्यक्ति पास हो रहा है तो पास होने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन आ जाता है फेल होने वाला तो उसमें फेल 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 वाले लेंगे। जैसे अगर पहले पॉइंट की बात करूं मैं कि 50% व्यक्ति ये पीते हैं भाई 50% चाय, ठीक है, और 45% प्लस 45% पीते हैं कॉफी, और फिर 20% दोनों पीते, जो 20% है ये जो 20% व्यक्ति है वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। इसका मतलब जो 20% व्यक्ति है इन चाय और कॉफी दोनों में से, तो इसको क्या करेंगे माइनस, ये आ गया दोनों वाला। आप देखो टोटल काउंट करो 50, पहले ऐसे करते हैं 45 में से ये क्या करते हैं माइनस करते हैं 25, और 25 और 50 टोटल हो गया ये 50, और 45 में से यहां से 20 निकाल दें कितना बच गया 25, तो ये टोटल कितना आ गया 75% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति चाय कॉफी नहीं पीते। अब एक चीज बताओ, ये चाय और कॉफी पीने वाले पर 75% व्यक्ति है, 75% व्यक्ति चाय और कॉफी पीते हैं, इसका मतलब 25% नहीं पीने वाले, तो इसमें से 100 में से 75 पीने वाले निकाल देंगे क्या आएगा 25% व्यक्ति नहीं पीने वाले आ जाएंगे। पहले बच्चों एक बार आपको समझना है, वीडियो को बार बार देखना है, इसको एक बार वापिस से समझा देता हूँ। मैंने बोला था पीने वाले लेने, पीने वाले जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो दोनों में से माइनस होंगे, क्या दोनों में से माइनस कर दिया मैंने, 50 चाय पी रहे हैं 45 कॉफी पी रहे हैं, 20% दोनों पी रहे हैं चाय कॉफी और दोनों, तो इनको ऐड करेंगे और 20 माइनस करेंगे टोटल कितना आ गया 75%। ये 75% क्या है पीने वाले चले, इसका मतलब 75% व्यक्ति चाय कॉफी पीते हैं, नहीं पीने वाले पूछ रहे, तो ये जो पीने वाले हैं 100 में से इनको घटा देंगे क्या आएंगे नहीं पीने वाले आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन की और बात करता हूं मैं, हिंदी में फेल हो जाते हैं 36%, 42% अंग्रेजी में, 42% अंग्रेजी में, 70% दोनों में पास हो जाते हैं, ये बोला 70% है, पास हो जाते हैं। यदि उस परीक्षा में यदि उस परीक्षा में 156 विद्यार्थी पास हो जाते हैं कितने छात्र हैं, देखो प्यारे बच्चों फेल, अगर इस बार फेल की बात कर रहा है टोटल फेल की बात कर रहा है, फेल वाली सीरीज काम में लेंगे 36% ये बोल रहा है हिंदी में,
एनडी में फेल, 42% ये बोल रहा है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ पे चीज समझने लायक है, ये बोल रहा 70% दोनों में पास हो जाते हैं, फेल फेल, और यहाँ पे जो चीज लेते हैं वो माइनस दोनों में से यहाँ, लेकिन दोनों में पास बता रहे हैं, ये सीरीज चल रही है फेल वाली। अगर 70% दोनों में पास हो रहे हैं इसका मतलब 30% दोनों में क्या हो रहे हैं भाई, फेल। आगे बात समझो, अब देखो यहाँ पे 30, 12, पहले इसको छोड़ देते हैं 36, इसको मैं अलग से काउंट कर लेता हूँ, प्लस 42 में से 30, 12 टोटल कितना आ गया अभी 36, 42, 48। ये जो 48% है वो फेल वाले स्टूडेंट है, ये जो 48% है वो फेल वाली सीरीज चल रही है, इसका मतलब जो 48% है वो फेल वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 156 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर 48% फेल हो रहे हैं, 48% फेल हो रहे हैं तो पास वाले कितने होंगे, मैं ऊपर थोड़ा इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, अगर 48% पास फेल हो रहे हैं, ये फेल वाले हैं, इसका मतलब पास वाले कितने होंगे भाई, 52, ये हो गए पास, 52 पास हो रहे हैं 48 फेल, यहाँ पे पास की वैल्यू कितनी दे रही है 156, और यहाँ पे प्रतिशत में कितना है 52%। अगर ए की वैल्यू निकालूंगा तो 156 बटे में 52, ये बोला कुल छात्र, कुल के लिए 100 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 2 से काटने की कोशिश करता हूँ मैं, 2 से 2 × 4 1, 2 × 6 12, 2 × 7 14, 2 × 8 16, 26, 52, 26, 3, 6, 8, 26 से 1 बार 26 से 3, इसका टोटल कितने आ गए स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट आ गए। वापिस से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये बोल रहा है कि हिंदी में फेल 36, अंग्रेजी में 42, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखे दोनों में फेल, लेकिन यहाँ पे दोनों में पास दे रखे 30, 70 दे रखे दोनों में पास, तो फेल कितने आ गए दोनों में 30 आ गया। तो यहाँ पे इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बच गया फेल 48%। अगर 48 पास हो रहे हैं इसका मतलब फेल पास, 48 फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं 52, 52 की वैल्यू 156 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे बट्टे में 52, वो पूछा कुल 100 की वैल्यू पूछे तो 100 से इंटू करेंगे, कैंसिल आउट करके कितना आ गया 300 विद्यार्थी। तो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार 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 पॉज करके देखना है, पीछे ले लेके बाद दोबारा दोबारा बार 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 इनको देखना है, 2 बार 3 बार जितनी कोशिश हो सके करना समझने की, फिर भी नहीं आता है तो मैं फिर वापस समझाने की कोशिश करूंगा। कमेंट करके बताना मेरे को सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ये जो आर्मी वाले बच्चे हैं इनको थोड़ा सर्टिफिकेट लगेगा, थोड़ा सर्टिफिकेट लगेगा समझने में, तो एक बार इनको कोशिश करना समझाने की, फिर से दोबारा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है तथा हर साल 10% की वृद्धि होती है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या पूछे। प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे गांव की जनसंख्या मान लेते हम 10,000, हर साल 10% 10,000 है, पहले साल 10 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 110/100। अब दूसरे साल ये टोटल जनसंख्या पे वृद्धि हो रही कितने की 10 की, तो 110/100। 2 साल पूछे
तो 2 साल हो गया अकाउंट, पहले साल, फिर पहले साल खत्म हो जाएगा, दूसरे साल पे काउंट करेंगे 110 वृद्धि करके। तो देखो 10 से 2 से 2 खत्म, इन 2 से ये 2 खत्म, इनको मल्टीप्लाई 11 × 11 = 121 और 1 × 2 = 0 कितना आ गया 12,100 की गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी 2 साल बाद 12,100। गांव की जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी 12,100। ये आएगा अपना फाइनल आंसर। एक बार वापिस से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव की जनसंख्या 10,000, हर साल 10%, तो 10,000 पहले पर 10% की वृद्धि 110/100, ये पहले साल। अब जो दूसरे साल की वृद्धि हो रही है वो 10% की हो रही है, लेकिन किस पे, जो पहले साल बढ़ा है उस पे, तो इसी पे ले लेते हैं 110/100। 2 से 2 खत्म, इस 2 से ये 0 2 खत्म, 110 × 110 कितना हो गया 12,100। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं मेरे को, मेरे को भी पता लगे भाई हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और अपने जो इस चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो घंटे वाली बटन है उसको भी दबाएं जिससे आपको अपना जो मेरा जो वीडियो आने का जो पूरा नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा। और अपने जो यार दोस्त उनको भी बताएं और ग्रुप में भी शेयर करें जिससे अपना चैनल भी थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़े, और धीरे धीरे बढ़ रहा भी है, बच्चों का प्यार वो दिख रहा है मेरे को, धीरे धीरे अपना चैनल भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है अपना चैनल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए काफी, जय हिंद जय भारत।